हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में अपनों ने कैप कट के शेक इफेक्ट के बारे में बात करी थी, तो इस वीडियो में अपन काइन मास्टर के शेक इफेक्ट के बारे में जानेंगे और आप इनको किस तरह से यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने काइन मास्टर को ओपन करना है और अपने प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, जिस भी वीडियो पे आपको अपने शेक इफेक्ट को अप्लाई करना हो। तो किस किस तरह से आप अपनी वीडियो के ऊपर शेक इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन ट्रांजिशन शेक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन करने के लिए आपको एक बीच में बॉक्स दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आप ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको शेक इफेक्ट डाल के बताऊंगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं कि आप शेक वाला ही यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने शेक इट का ट्रांजिशन यहाँ से अलग से डाउनलोड कर रखा है, तो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के लोकल ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल पे चाहिए तो यहाँ पे आपको इसका स्टोर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर से आप डाउनलोड कर सकते हो, मस्त मस्त ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपने को शेक वाला चाहिए तो यहाँ पे एक्शन में आ जाना। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शेक इट के नाम से ये वाला। तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका इस वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चार ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं फर्स्ट वाला यूज़ करता हूँ। तो कुछ इस तरह से ट्रांजिशन होगा। यहाँ से आप इसका टाइमलाइन कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइक आपको फास्ट रखना है या फिर स्लो रखना है, तो इसकी टाइमलाइन को आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। और इसके स्टोर के अंदर आपको और भी सारे शेक से रिलेटेड कई सारे ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इनको भी यूज कर सकते हो। तो जब आप ट्रांजिशन इफेक्ट को यूज करते हो तो दोनों तरफ की वीडियो को मिक्स करके एक ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे आपकी वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी हो जाती है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है, आप वीडियो देख सकते हो इसके बारे में अच्छे से जानना हो तो। ओके, सेकेंड तरीके से आप शेक इफेक्ट को किसी भी जगह पे ऐड कर सकते हो, लाइक फर्स्ट में, लास्ट में, बीच में, कहीं पर भी ऐड कर सकते हो आसानी से। तो वो कैसे करना है, आपको अपनी वीडियो के अंदर जहाँ से ऐड करना है उस पोजीशन पे चले जाना है, ठीक है। आपको लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे इफेक्ट का सेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके अंदर आपको मिलेगा शेक का इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेक के नाम से नहीं मिलेगा, वीगल के नाम से शेक का इफेक्ट मिलेगा। तो इसके स्टोर में चले जाना है और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, तो इसके इफेक्ट सेक्शन में ऐड हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगा और इसको फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। इसको कोने में ले जाके इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है, तो ये पूरी वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा। आपको इसको कहाँ तक रखना है, इसकी लेंथ को आप कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग मिलती है, इसकी सेटिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको शेक कितना देना है। यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, किस तरह से आपका शेक करवाना है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, स्टार्ट और एंड स्ट्रेंथ को, ठीक है। यहाँ से अगर आपको बढ़ानी है या फिर कम करना है, किस तरह से आपको सेट करना है अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। इसकी फ्रीक्वेंसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी आपकी वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो किस बीट के अकॉर्डिंग आपने बनाई है, उसके अकॉर्डिंग आप इस सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं तीसरे शेक इफेक्ट की, जो आपको एनिमेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो क्लिप पे क्लिक करना है, तभी वो अप्लाई होगा। एनिमेशन क्लिप पे अप्लाई होता है हमेशा। ओके, तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिप ग्राफिक्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, तो इनको भी मैंने डाउनलोड कर रखा है इसके स्टोर से। तो आपको यहाँ पे एनिमेशन के अंदर ही इतने सारे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको सिंपली डाउनलोड करना है, तो इस सेक्शन में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इन एनिमेशन पे आपको क्लिक करना है और इन एनिमेशन को आप यूज कर सकते हो। इसमें अधिकतर एनिमेशन ऐसे हैं जो शेक इफेक्ट जैसे वर्क करते हैं, सब इफेक्ट ऐसे नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे लाइक ये देखो, थोड़ा सा वाइब्रेशन शेक टाइप लग रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर, कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो। ये अधिकतर एनिमेशन है, ठीक है। शेक इफेक्ट इसमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो कुछ कुछ है जो आपको शेक टाइप लग सकते हैं, बाकी ये एनिमेशन है। और यहाँ से इसकी टाइमलाइन को आप कम ज्यादा कर सकते हो, इफेक्ट को कहाँ तक अप्लाई करना है एनिमेशन को, तो इजीली इसे अप्लाई कर सकते हो लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो कुछ इन तरीकों से आप काइन मास्टर के अंदर शेक इफेक्ट को आसानी से यूज कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हो फॉलो करके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।